सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट वे। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइपोन सिरप के बारे में। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, भूख नहीं लगती है, भूख की वजह से बहुत परेशान है। अगर भूख खाती भी है तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है खाना। तो सभी प्रॉब्लम की सोल्यूशन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो हम मेडिसिन की बात करेंगे, सिरप की बात करेंगे, वो है साइपोन सिरप। तो गाइस, इस सिरप को कब लेना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए और साइड इफेक्ट बेनिफिट्स ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल अबाउट मेडिसिन के बारे में। तो गाइस, आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड साथ में जो बेल आइकन है, बेल का बटन है, उसे प्रेस करके ऑल कर दो ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। सो गाइस, इन लोग को भूख की परेशान है, भूख नहीं लगती सही तरीके से, और भूख लगती भी है तो खा नहीं पाती, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से। उनके लिए बेहतर मेडिसिन है ये साइपोन सिरप। इसे आप कब यूज़ करें, जब आप कुछ खाते हो, हैवी कुछ खाते हो, तब उसकी एक घंटा या डेढ़ घंटा पहले आपको ले लेना चाहिए, तब उस आपको अच्छी तरह से आपको इसकी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो गाइस, इसे कभी भी खाली पेट में मत लीजिए, कुछ हल्का कुछ फूड खाने के बाद ही तभी इसे यूज़ करें। और इसकी डोजेस है 2 चम्मच, अभी से इजीली ले सकती हो, और 4 ईयर प्लस जो होती है उससे यूज़ करें। 4 साल के नीचे जो लोग हैं उसे यूज़ मत कीजिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर 4 साल के नीचे जो लोग हैं, आपको उल्टी हो सकती है, तो एक बार आप लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लीजिए। अगर 4 साल से कम है तो आप लोग इसे एडल्ट इजीली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, आपको उल्टी आ सकती है, कभी कभी हो जाता है उल्टी, तो इसकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं। तो यही थी आपको इस वीडियो में जानकारी। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।